स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनॉन प्लस मैट्रॉन। ट्राइगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो यू कैन से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है? साइड्स एंड एंगल्स। तो आप ये कह सकते हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं टी रेशियोज। क्या बोल देते हैं? टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी दो साइड्स को डिवाइड करें और दो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहली होती है हमारी, देखें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, सपोज ए बी सी। ये आपने बच्चों पहले किया है, जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज एच से शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको, और ये हम हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। बेस को बी से लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर को पी से। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 रेशियो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और एक्यूट एंगल की डिफाइन करेंगे। हमारे पास दो एक्यूट एंगल है ए एंड सी। पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल ए की, सिमिलरली डिफाइन कर सकते हैं एक्यूट एंगल सी की। अब एक्यूट एंगल ए, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए। इस ए को आप एंगल नाम दे सकते हो थीटा। ये इसका मतलब क्या है? ये हमारा थीटा, ये क्या है? हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है। कुछ भी ले सकते हैं आप, या थीटा की जगह ए ही रहने दें, नो प्रॉब्लम, या हम इसको थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा। ये एंगल है, ए ही है ये, साइन थीटा। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यानी कि साइन थीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कर दो? हाइपोटेन्यूज से। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। थर्ड होती है हमारी परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी सी बाई ए सी। बेस क्या हमारा? ए बी बाई एच ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा दिस इज बेस, बेस टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी। और फोर्थ जो होती है हमारी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दिस इज एच बाई पी, यानी कि इसका रिवर्स होती है, रेसिप्रोकल होती है साइन थीटा का, यानी कि ए सी बाई बी सी। कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा रेसिप्रोकल होती है कोस का, एच बाई बी, ए सी बाई ए बी। कोट थीटा,
कोण थीटा, दिस इज कोण थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा बी बाई पी ए बी बाई बी सी। ये हमारी छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसमें ध्यान दें, साइन थीटा इसकी फुल फॉर्म होती है साइन थीटा, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है साइन थीटा, एस आई एन ई फुल फॉर्म ये होती है। कोस थीटा कोसाइन थीटा, टेन थीटा टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा सीकेंट थीटा और कोट थीटा कोटेंजेंट थीटा। अब ध्यान दें फ्रेंड्स, थ्रूआउट द चैप्टर वी विल डिस्कस, हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, साइन थीटा ये नहीं लिखेंगे, साइन थीटा ये भी लिख सकते हैं बट जनरली हम यही यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये फुल फॉर्म है साइन थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन थीटा कोस थीटा, टेंजेंट थीटा फुल फॉर्म होती है टेन थीटा शॉर्ट फॉर्म, कोसेकेंट थीटा शॉर्ट फॉर्म क्या होगी कोसेक थीटा, secant theta short form sec theta, cotangent theta short form cot theta। take a question, हम एक question लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। question है find all trigonometric ratios of angle A in given triangle, ये आपके पास ट्राइंगल दे रखी है, सपोज ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हमारे पास दो साइड दे रखी हैं तो हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों साइड दी हुई हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हमने एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, ओल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ओल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों साइन ऑफ एंगल ए, अगर यहां पे मेंशन होता थीटा तो थीटा लिख देते, अब एंगल ए है तो ए ही लेंगे, ठीक है, थीटा कुछ नहीं है, बस थीटा एक एंगल है साइन ए। पहली हमारी साइन ए, अब साइन हमारा क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, पी पी कितना है एट, एच कितना है टेन, कॉस ए कॉस क्या था बी बाई एच, बेस कितना हमारा सिक्स, कॉस के बाद क्या था टेन ए, टेन क्या था परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेकेंट कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन। देखो तीन हमारी मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो उनका रेसिप्रोकल होती है, यानी कि एच बाई पी टेन बाई एट, कोसेक के बाद सेक एच बाई बी टेन बाई सिक्स, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट b by p 6 by 8। इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब नाउ अब छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम इनको इनके भूल जाते हैं तो इनको हम लर्न कैसे करें। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत आसान है आपको याद करना, फॉर्मूला है आपको कि
साइन जो थीटा होता है साइन ऑफ एंगल, इसको पढ़ेंगे साइन ए या साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए। फॉर्मूला है हमारा सभी इसी तरह से, टेन ऑफ एंगल ए या टेन ए। किस तरह से हम याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को? फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखा आपने साइन कॉस टेन, ये तीन होती है मेन हमारी, बाकी तीन होती है इसकी रेसिप्रोकल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ध्यान दें, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, कोस का सेक, कोट टेन का कोट। बस आपने ये लर्न किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये तो हो गई हमारी साइन कोस टेन की। और उसी तरह से कोसेक की क्या हो जाएगी? इसकी रेसिप्रोकल एच बाई पी। सेक की क्या हो जाएगी? एच बाई बी। कोट की क्या हो जाएगी? बी बाई पी। अरे एक दूसरा और फॉर्मूला है हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देखें, ध्यान दें, ये हमने एक ट्रायंगल बनाई थी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी निकाली थी? ए की। सपोज अगर हम सी की निकालेंगे, सी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी के सामने ये हाइपोटेन्यूज रहेगा हमारा। अब जो एंगल सी के बिल्कुल अपोजिट है, अब हम एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे, ए के बिल्कुल अपोजिट साइड है, अपोजिट टू एंगल ए, दैट इज कंसीडर एज परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अगर आप इन केस ऑफ एंगल सी नोट करेंगे, आप इन केस ऑफ एंगल सी बेस जो हमारा होगा, बेस होगा बीसी और परपेंडिकुलर होगा ए बी। परपेंडिकुलर वो होता है जिस एंगल की आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। अगर मान लो सी की निकाल रहे हो, सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और सी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड बीसी, बीसी क्या बन जाएगा? हमारा बेस बन जाएगा। यानी कि ये दोनों साइड आपस में अगर बेस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो आपका बेस हो जाएगा इन केस ऑफ एंगल सी। फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ एंगल सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। जैसे ए के केस में ए के बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सी थी? बी सी। तो बी सी क्या थी हमारी? परपेंडिकुलर। जिस एंगल के अपोजिट साइड होती है वो होती है हमारा परपेंडिकुलर, और एंगल जिस साइड पे है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, तो वो बीसी बेस, बीसी बेस होगा, ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। उसी तरह मान लो हम टेन निकाल रहे हैं, टेन सी क्या होता है? पी बाई पी। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा? ए बी। और बेस कौन सा है? बी सी। ये लर्न करना है आपने। और दूसरा ध्यान दें, जो साइन ऑफ नॉट, इसका मतलब साइन ए, साइन मल्टीप्लाई ए नहीं है, साइन और ए
इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, क्लियर है।